हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान एंड वेलकम टू मूवी शो वी। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और बड़े लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से शब्दावली का यूज किया है, तो प्रधानमंत्री साहब की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि यार इतना काम करने के बाद ये छोटी मोटी बातों को छोड़ो, बड़े चीजें बताओ। इलेक्शन सर के ऊपर है और भारत की जो पब्लिक है उसको पता होना चाहिए कि अच्छा काम क्या किया है हमने, तो फोकस उसके ऊपर जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ही स्पष्ट बात बोली और बहुत सारी बात बहुत छोटे में बोल दी। और ये उस टाइम के ऊपर आ रहा है जब भारत की जो जनसंख्या है 1.42 बिलियन हो चुकी है और हमने बहुत शान से आन से इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं कि हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। एनीवेज, अब इतने सारे लोग जो हैं वो थिएटर में जाएंगे और कोई ना कोई मूवी देखेंगे। उसमें से एक मूवी जो है वो है पठान, जो कि 25 तारीख को रिलीज होने वाली है। कल से इसकी एडवांस बुकिंग हर जगह ओपन हो जाएगी, बट सेलेक्ट सेंटर्स के अंदर अभी शुरू हो गई है और जहां जहां भी शुरू हुई है वहां जाके आप खुद ही देख सकते हैं कि वहां पर सब कुछ या तो ऑरेंज या फिर ग्रे हो चुका है, यानी कि वो सब कुछ बिक गया है। और काफी सारे आप ऐसे स्नैपशॉट भी देखेंगे जिनका कलर चेंज करके फोटोशॉप करके उसको डीमीन करने की भी कोशिश करी जा रही है, जस्ट पार्ट एंड पार्सल, उसको छोड़ो मिट्टी पाओ। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि बहुत अभी मैंने भी आपको कल बताया था कि अप्रैल में OTT रिलीज होगा इसका। दो दिन से ये डिस्कशन चल रही है क्योंकि जो मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था पठान के मेकर्स को कि आप इसके अंदर सबटाइटल्स वगैरह डालो और तभी जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं या फिर हेयरिंग इश्यूज हैं जिनके, वो भी इस मूवी को इंजॉय कर पाए। तो ये जो चीज़ डायरेक्शन देने के बाद जो डेट्स हैं इसके आगे पीछे हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो 25 अप्रैल की डेट निकल के आ रही है 25 अप्रैल है, ये इसीलिए बाहर निकल के आई है। बड़ा क्लियर मुद्दा है कि भाई डिस्करेज करो लोगों को टिकट खरीदने से, ताकि यार 25 अप्रैल तो पास में ही है, 25 अप्रैल को OTT के ऊपर देख लेंगे। और जिनके भी ऐसे पॉकेट्स थोड़े से टाइट रहते हैं, हर एक को अपना घर देखना होता है कि हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 150 रुपये की टिकट या 200 रुपये की टिकट भी मायने रखती है। वो सोचेंगे यार चल ठीक है OTT पे कर लेंगे, OTT का मतलब है कि थोड़ा सा जुगाड़ करके ये आ गया तो मतलब टेलीग्राम पे भी आ ही जाएगा, उसमें देख लेंगे खान साहब को या पठान जी को, तो ठीक है वेट कर लेते हैं। ये जो वेट करने वाले थे जोन के अंदर डाल देना ताकि इतना ज़्यादा बिजनेस ना हो, उसकी स्ट्रैटेजी है, थोड़ी सी गलत है। बट ये जो मूवीज होती हैं इस तरीके की जिसके अंदर इतना एक्शन और जिस तरीके की डायलॉग बाजी होती है, ये मोबाइल स्क्रीन पे या OTT पे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं जैसा मुझे लगता है। बाकी जब मूवी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब तो 15 दिन हो गए बोलते बोलते, कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जितना मर्जी हम बोल रहे ये मूवी अच्छी है, ये है बुरी है, ये जनता जनार्दन डिसाइड करने वाली है कि फर्स्ट दिन क्या उनको इतने अच्छे ट्रेलर और ठीक ठाक गानों के बाद क्या उनको जो ये स्टोरी लाइन है और उसकी प्रेजेंटेशन भी पसंद आई है कि नहीं आई है, क्योंकि उनको ये तो बहुत पसंद आया है ट्रेलर और उनको काफ़ी उम्मीदें जाग गई हैं। बाकी 25 जो है वो फॉर श्योर नहीं होने वाला है। OTT Amazon Prime Video इसका प्लेटफॉर्म है, उस दिन तो ये नहीं रिलीज हो रही है। जिनको ख्वाब देखने हैं देखते रहो, बाकी ये सरप्राइज डेट आएगी। YRF इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडियो एंड इफ दे नो दैट दिस डेट इज लीक्ड, फॉर श्योर इट विल नॉट रिलीज ऑन 25th of April। भाई साहब वो बिजनेस मैन है, उनको कम मत समझिए, दे आर इन टू द बिजनेस ऑफ मेकिंग मूवीज एंड यू आर इन टू द बिजनेस ऑफ वॉचिंग मूवीज एंड एंजॉइंग। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं हमने एक आधी डेट क्लिक कर दी और उसके बाद हमें डिस्करेज कर दिया, मे बी यू आर रॉन्ग।